इस वीडियो में हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन की कि ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं एक्चुअली में वो क्या है, उनका फंक्शन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो कितने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो सबसे पहले तो द ब्रेन कंटेन्स फोर इरेगुलर शेप कैविटीज और वेंट्रिकल्स, मतलब ये जो है एक्चुअली में चार वेंट्रिकल होते हैं, फोर वेंट्रिकल विच आर इरेगुलर शेप, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, और विच आर कैविटीज। ये वेंट्रिकल्स मतलब एक्चुअली में क्या है कि कैविटीज, जैसे ये ब्रेन है तो ये ब्रेन इस टाइप से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेन है इसके अंदर में बीच में जो है ना खाली जगह होती है, कैविटीज होती है। ये जो कैविटीज है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और ये होते हैं कितने, चार। तो द वेंट्रिकल्स आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो है क्या बनाते हैं, सीएसएफ बनाते हैं। इसको मैंने अपने सीएसएफ वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट इट अराउंड द क्रेनियल कैविटी, और साथ में ये जो वेंट्रिकल्स है ये सीएसएफ प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, साथ में उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं अराउंड द क्रेनियल कैविटी। ठीक है, दे आर लाइन बाय इपेंडाइमल सेल्स, इपेंडाइमल सेल्स जो है एक टाइप की न्यूरोग्लियल सेल्स है, सपोर्टिंग सेल्स है, वो जो आपका वेंट्रिकल्स है दे आर लाइन बाय द इपेंडाइमल सेल्स विच फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कोरोइड प्लेक्सस। तो इसमें जो है कोरोइड प्लेक्सस होता है, ये सी एस एफ के प्रोडक्शन में एकदम प्रॉपरली, सी एस एफ प्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसमें प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है कि वॉट आर कोरोइड प्लेक्सस एंड हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग द सी एस एफ। तो आप उस वीडियो में ये प्रॉपरली देख सकते हैं। इट इज़ विद इन द कोरोइड प्लेक्सस दैट द सी एस एफ, एक्चुअली देखा जाए तो वेंट्रिकल्स के अंदर में जो कोरोइड प्लेक्सस होता है वही जो है एक्चुअली में सी एस एफ को प्रोड्यूस करता है। अब वेंट्रिकल्स जो है वो आपके राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, मतलब ये कितने हो गए, दो हो गए, एक राइट एक लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल, थोड़े से चार टोटल वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख पा रहे हैं हम कि लेटरल वेंट्रिकल कौन सा है, ये इतना पार्ट, ये जो है ये आपका क्या है, ये है लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, इसी के पीछे में एक और है, तो इस टाइप से आपका लेफ्ट और राइट जो है वो दो हो गए। थर्ड वेंट्रिकल जो है ये बीच में जो दिख रहा है ये कैविटी, ये कौन सी है, थर्ड वेंट्रिकल, और ये नीचे में जो है इट इज द फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपका क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, इस टाइप से चार वेंट्रिकल्स जो है ब्रेन के अंदर में होते, ये और कुछ नहीं, दे आर द कैविटीज, ये क्या है, कैविटीज है, खाली जगह है जिसके अंदर में सी एस एफ बनता है और इसी के थ्रू जो है सी एस एफ पूरे के पूरे क्रेनियल कैविटी में फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो लेटरल वेंट्रिकल की बात कर लेते हैं, चार बताया मैंने, उसमें से पहला लेटरल वेंट्रिकल लाइव विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हर एक हेमिस्फीयर में एक होता है, इसीलिए लेटरल वेंट्रिकल कितने होते हैं, टू, वन ऑन ईच साइड ऑफ मीडियन जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम के नीचे में होता है। कॉर्पस कैलोजम क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द थिन मेम्ब्रेन सेप्टम लूसिडम। अब ये जो जैसे देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में देख पा रहे, ये एक लेटरल वेंट्रिकल हुआ और ये वाला एक लेटरल वेंट्रिकल हुआ, है ना, ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए। तो ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स जो है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड सेप्टम लूसिडम, इसके बीच में जो है एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है सेप्टम लूसिडम। तो दो लेटरल वेंट्रिकल अपने आप एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते, वाया दी सेप्टम लूसिडम, लाइन विद सीलिएटेड एपिथेलियम, हम जानते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होती है, ये मेम्ब्रेन उसके ऊपर सीलिया होती है इस टाइप से, उसको हम बोलते हैं सीलिएटेड मेम्ब्रेन। तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल है उसकी जो बाउंड्री वॉल या उसकी जो लाइनिंग होती है किससे बनी हुई थी, सीलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती है। दे आर कम्युनिकेट विद द थर्ड वेंट्रिकल्स बाय इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना। अभी आप देख पा रहे कि यहाँ पर ये लेटरल वेंट्रिकल है, यहाँ पर ये बीच में थर्ड वेंट्रिकल है, और ये बीच में जो है इसमें ये जॉइनिंग है लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में, इसी को क्या बोला गया है, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि लेटरल वेंट्रिकल अलग कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल वाया द इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना, और यहाँ पे लिखा है कि दे कम्युनिकेट मतलब कनेक्टेड विथ द थर्ड वेंट्रिकल बाय इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना, बात एक ही है। ठीक है ना, तो लेटरल वेंट्रिकल्स जो है दे आर कनेक्टेड विद द थर्ड वेंट्रिकल बाय द इंटर वेंट्रिकुलर
फोरामिन। फिर बात करते हैं थर्ड वेंट्रिकल की। थर्ड वेंट्रिकल मतलब ये वाला रीजन है ना, सिचुएटेड बिलो द लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल के नीचे में है ये, बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ थैलेमस, थैलेमस के दोनों पार्ट के बीच में होता है। कम्युनिकेट विद द फोर्थ वेंट्रिकल बाय अ कैनल कॉल्ड सेरिब्रल एक्यूडक्ट। अब ये जो नीचे में आपका यहाँ पर जो ये फोर्थ वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फोर्थ वेंट्रिकल से ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ये एक ये स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट। तो थर्ड वेंट्रिकल आपका फोर्थ वेंट्रिकल से कैसे कनेक्टेड है, वाया दिस सेरिब्रल एक्यूडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की। फोर्थ वेंट्रिकल इज डायमंड शेप, ये जो है डायमंड शेप कैविटी है, सिचुएटेड बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल के नीचे और पीछे लोकेटेड होता है, एंड बिटवीन द सेरिबेलम एंड पॉन्स, सेरिबेलम और पॉन्स के बीच में होता है आपका सेरिबेलम, ये वाला एरिया हो गया, और इधर में ये आपका पॉन्स वाला एरिया इधर हो गया, तो ये पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में लोकेटेड होता है। ठीक है ना, इट कंटिन्यूज बिलो विद द सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड कम्युनिकेट्स विद द सब अरेकोनॉइड स्पेस बाय फोरामिना इन इट्स रूफ। ये जो है सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये जो है आगे जाकर, सॉरी ये आगे जाकर जो है यहाँ पर ये देखिए, यही ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये इस टाइप से आगे आया, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेंट्रल कैनल, तो ये आगे जाकर क्या बना रहा है, सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, एंड कम्युनिकेट विद द, और ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, सब अरेकोनॉइड स्पेस बाय फोरामिना इन इट्स रूफ। ठीक है ना, CSF enter the subarachnoid space through this opening. CSF enter the subarachnoid space through this opening and through the open distal end of central canal of spinal cord. तो यहाँ से जो है, यहाँ से दो opening निकलती है fourth ventricle से, वो जो है ले जाकर इसको ये जो आसपास की subarachnoid space होती है वहाँ पर cerebrospinal fluid को flow करने में help करती है, और साथ में ये spinal cord के आसपास में भी flow करने में या transport करने में हेल्प करता है। इसकी डिटेल जो है कौन से स्ट्रक्चर से ये फ्लो होता है, तो सर्कुलेशन ऑफ CSF, मतलब कि जो CSF वाला वीडियो है उसमें मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है, इसलिए दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आपको सर्कुलेशन ऑफ CSF देखना है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।